ठानो भी कुछ अपने जी में, मानो भी ये बात हमारी। ठानो भी कुछ अपने जी में, मानो भी ये बात हमारी। लाल आंखें क्यों झपकाते हो, जिस्म पे क्यों है रेशा तारी। हाथों में फौलाद की सख्ती, सांसों में कौंधे की धारी। वो जाती है राह तुम्हारी, वो जाती है राह तुम्हारी। इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं अनु कपूर आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। इस शो में हम आपको दिखाते हैं रियल लाइफ हीरोज की कहानियां। आज मैं बुलाना चाहता हूं, आमंत्रित करता हूं हमारे आज के महानायक कथानायक कैंट आरओ के श्री महेश गुप्ता जी को। स्वागत करता हूं, अभिनंदन है महेश जी गुप्ता साहब, अभिनंदन है आपका शो में, स्वागत है आपका। आइए बिरा जी। आपकी लाइफ स्केच के ऊपर हमने एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है, आइए देखते हैं। कहते हैं जरूरत आविष्कार की जननी होती है। ऐसी ही जरूरत ने दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे महेश गुप्ता को आरओ के बिजनेस का बादशाह बना दिया। आपने कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करने लगे। आपके दोनों बच्चों को पानी की खराबी की वजह से पीलिया हो गया, वो ठीक तो हो गए, लेकिन जब आपने बाजार में एक अच्छे वाटर प्योरिफायर की खोज की तो आपके हाथ निराशा लगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के चलते आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिसर्च करके कंपोनेंट इंपोर्ट किए और अपने लिए एक आरओ बनाया। आपको लगा देश में इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है। 7 साल पहले आपने नोएडा में पहली कमर्शियल यूनिट लगाकर कैंट आरओ बनाने की शुरुआत की। आज रुड़की में एक आधुनिक फैक्ट्री में कैंट आरओ बनाए जाते हैं। आपने ही दीवार में लगाए जाने वाले आरओ का निर्माण शुरू किया। कैंट आरओ देश का पहला ISI सर्टिफाइड आरओ है। ये आरओ अमेरिका के MNSF मानकों पर भी खरा उतरता है। आज 40% भारतीय बाजार पर कैंट आरओ का कब्जा है। महेश गुप्ता साहब, हार्दिक अभिनंदन है। आप क्वालिफाइड आदमी हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके परिवार को डर नहीं लगा कि ये एक छोड़कर दूसरे उसमें जा रहे हैं, रिस्क? बहुत डर लगा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूं जी। मैं नौकरी करता था जी, इंजीनियरिंग पास करी, उसके बाद नौकरी करी और ऐसी नौकरी करी जो बहुत अच्छी रही मेरे लिए। 11 साल जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी और जमा हुआ बिजनेस था, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी उस वक्त 1988 में कि देश में तेल कैसे बचाया जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने ऑयल कंपनी में काम किया जिसमें लोगों को मैं बताता रहा 11 साल अगर डीजल है और लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको कैसे बचाया जाए। फिर मन में आया इसको और ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतना मौका नहीं मिलता था करने का। मन में इच्छाएं थी कि कुछ चीज़ की इजाद करी जाए और उससे तेल को बचाया जाए। उस वक्त जब मैंने नौकरी छोड़ी तो एक इस्टेब्लिश नौकरी जो बहुत फेमस नौकरी कही जाएगी उस पर ज़माने में, तो मेरे घर वालों ने मेरे साथ नहीं दिया। उन्होंने बोला आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ टाइम इस्टेब्लिश्ड है, आप ये क्यों करना चाहते हैं? बट मन में जुनून था। हमने कहा करेंगे, नहीं होगा तो नौकरी तो कभी भी कर लेंगे, इस कंपनी में नहीं करेंगे दूसरी कंपनी में कर लेंगे। तो वो तकलीफ़ का समय था मेरे लिए। वो तकलीफ़ का समय था आपके लिए। और ज़ाहिर है कि देखिए आपके जो घर के लोग हैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, उन्होंने कहा अच्छा खासा सेटल है, सेटल जो है उसको अनसेटल क्यों कर रहे हैं, यही उनका था। बिल्कुल, आप क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड है, नौकरी की कमी नहीं थी और एक्सपीरियंस्ड हैं जी। सो आप कॉन्फिडेंस थे कि मेरा प्लान बी तैयार है। तो फिर ये कैंट आरओ में आने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े? 88 में जब मैंने छोड़ा तो फिर मैंने तेल को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का इनोवेशन किया और वो प्रोडक्ट्स चलने लगे मेरे जी। और 92 से फिर हमने ऑयल फ्लो मीटर्स बनाए कि तेल में कितना कंजम्पशन होता है उसको मॉनिटर किया जाए, वो भी अच्छा चलने लगा। इस तरह से लाइफ जो मैंने नौकरी छोड़ी थी, नौकरी छोड़ने के बाद में बिजनेस में आया तो बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया और वो अच्छा काम चलने लगा। जब अब तक मैंने कभी वाटर प्योरीफायर अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब बच्चे बीमार पड़े 1997-98 के बीच में, पहले मेरी बिटिया और बाद में बेटा, और मैंने देखा
कि जो उनको बीमारी हुई जॉन्डिस वो पानी की बीमारी से हुई। तो हमने कहा आप वाटर प्योरीफायर तो लगाना पड़ेगा, लगना शुरू हो चुका था जी। जब उन पर सर्वे किया गया कि अच्छे से अच्छा सेलेक्ट करो, इफेक्टिव नहीं है, तो हमने देखा पानी में जो घुली हुई अशुद्धियाँ वो कोई प्योरीफायर नहीं निकाल रहा था। बैक्टीरिया वायरस निकाल रहे थे हाँ। लेकिन पानी में जो घुल गया वो कोई नहीं निकाल रहा था। तो हमें पता था पानी में घुली हुई चीज़ को निकालने के लिए एक आरओ प्योरीफायर की जरूरत है, वो हमें मिला नहीं। तो हमने कहा नहीं मिला तो अपना बना लेते हैं, क्योंकि बिजनेस चालू कर लिया था, अपनी संस्था थी, संस्था में पार्ट्स वार्ट्स को इम्पोर्ट करके कुछ अपने आप बना के एक आरओ प्योरीफायर बनाया गया घर में और उसको लगाया गया। और लगाया तो घर में अच्छा चला, दोस्त आए पानी पीते थे, कहते पानी का टेस्ट भी अच्छा है इसके अंदर से। अच्छा, हम टेस्ट भी अच्छा है। हाँ टेस्ट भी अच्छा है और पानी में बीमारी भी नहीं होती उससे। तो कहते यार आप हमें भी एक बना दो जी। और फिर हमने देखा है अगर हमको तकलीफ है और बाजार में मिलता नहीं है तो बिजनेस आइडिया कोई बुरा नहीं है ये। तो हम ऑयल कंजर्वेशन करते करते इस लाइन में धीरे धीरे आए। अब आपको बिजनेस में वेंचर करना था तो कैपिटल कहाँ से जुटाई, अगर उस पर प्रकाश डाले आप? कैपिटल तो जैसे मैंने कहा कि हमारा ऑयल प्योरीफिकेशन का बिजनेस चल गया था जी। उसमें हमारे पास कैपिटल थी जी। उस कैपिटल को लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ हमको जो मिली कैपिटल के अलावा जी, हम आज तक जो मार्केट किए थे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मार्केट किए थे, लेकिन जब हम कंज्यूमर स्पेस में आए तो तकलीफ दूसरी आई कि ब्रांड है ही नहीं हमारा कोई। और कंज्यूमर स्पेस में जो भी प्रोडक्ट बिकता है वो ब्रांड से बिकता है, और हम उस स्पेस में आए जिसके अंदर एक ऐसा ब्रांड बिल्कुल पॉपुलर था जो प्रोडक्ट की कैटेगरी ब्रांड से जानी जाती जी बिल्कुल। तो प्रोडक्ट कैटेगरी जिस ब्रांड से जानी हो उस कैटेगरी के अंदर आपको घुसना था, हम उसमें घुस गए। उस वक्त कोई वाटर प्योरीफायर नहीं था मार्केट में? मार्केट में था, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं था, आरओ नहीं था। आरओ नहीं था मतलब अब जो वाटर प्योरीफायर मिलते थे उस वक्त वो 5,000-4,000 रुपए में मिलते थे जी। हमने तब बेचना शुरू किया 20,000 रुपए में 1999 में, अब 5 गुना प्राइस और ब्रांड कुछ नहीं है आपके पास। तो वो बेचने में जो हमें तकलीफ आई तो सबने बोला यार ये सब करने की क्या तकलीफ है, आपका बिजनेस तो चलता हुआ है, अच्छा बिजनेस है, आप छोड़िए इसमें क्या घुस गए आप इसमें। नहीं हमने कहा नहीं ये लोगों को जरूरत है और इसके लिए हम काम करेंगे। मार्केटिंग कोई स्ट्रेटजी बनाई आपने उसको करने की? देखिए बड़ी जद्दोजहद से स्ट्रेटजी बनी, ये एक दिन में नहीं बनी है, ये हम लोग 1999 में शुरू कर दिए प्रोडक्ट को बेचना और हमने देखा कि कंपटीशन में हम लोग घुस ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा इन्फीरियर प्रोडक्ट कहूँगा उसको कि वो पूरी परफॉर्मेंस नहीं देता जी, वो उसके कंपैरिजन में हम 4 गुना बेच रहे हैं और ब्रांडिंग हमारे पास नहीं है जी। फिर 2005 और 6 में डिसीजन लिया गया कि हमें टेलीविजन पे जाना पड़ेगा। ये 2006 से 7 की बात है? 2006 से शुरू किया हमने। तो आपने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया जी, सबसे खूबसूरत औरत बिल्कुल मतलब हम इसको ये कहेंगे कि हमको ऐसे एम्बेसडर की दरकार थी जी जिसमें लोगों का विश्वास हो, तो हम बहुत लकी रहे हम कहेंगे कि वो उन्होंने एग्री किया कि आप हेमा मालिनी जी ने कि हम आपको एंडोर्समेंट कर लेंगे जी। वो भी उन्होंने आसानी से नहीं एंडोर्स किया, उन्होंने तो उन्होंने उसको पहले इस्तेमाल करके देखा कुछ दिन और जब उनको लगा हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है तो फिर उन्होंने एग्री किया। इस मार्केटिंग कैंपेन के बाद जब हेमा मालिनी ने ब्रांड एंडोर्स किया उसके बाद रिजल्ट क्या था? वो आपके सामने एक्सेप्ट किया ग्रेजुअली के ग्रेजुअल सक्सेस मिलती गई। उसके बाद हम लोगों को 20-25% ग्रोथ हर साल मिली है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कैंट आरओ के श्री महेश गुप्ता जी से बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। इट इज टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। यूएस का एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ डिफरेंट पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो पढ़ा आपने वो फेस किया इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इंडियन वर्कर। ब्रेक के बाद आप सब महानुभावों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले मेहमान को जो कैंट आरओ के डायरेक्टर हैं, श्री महेश गुप्ता के सुपुत्र हैं, लेकिन इनकी अपनी आइडेंटिटी है, श्री वरुण गुप्ता। स्वागत है आपका वरुण जी। वरुण जी स्वागत है आपका, आइए आइए। आज ये सफलता की जो स्टोरी है, आप क्या बोलते हैं, पापा बुलाते हैं, डैडी बुलाते हैं? पापा बुलाते हैं। पापा की जो सफलता की स्टोरी है, कैंट आरओ की जो कामयाबी के झंडे जो गाड़े हैं, उसमें एक छोटी सी बात थी, बेटा बीमार हो गया था।
मैं तो यही मानूंगा उसने थ्रस्ट दिया, एक आइडिया ही है ना, एक आइडिया है ना, रीजन था। एक छोटी सी बात ने कैंट आरो के विशाल रूप को जन्म दे दिया। आप कब जुड़े? 2006 से मैंने ऑफिस ज्वाइन करा। मैं एक छोटा सा एक सवाल आ रहा है मन में, इस सवाल नहीं है, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। यूएस का एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ, वहाँ डिफरेंट पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो पढ़ा आपने वो फेस किया इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इंडियन वर्कर, एक यू सी, तो उसको कैसे फेस किया आपने? आई थिंक के पापा ने वो भी ग्रूम किया आपको? नहीं, आई थिंक एक तरीके से फ़ायदेमंद रहा कि मैंने जो कुछ चीज़ें यूएसए में देखी वो चीज़ें मैंने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने बिजनेस ज्वाइन करा तो मुझे लगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, तो मैंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी हमारा पूरा कंपनी को कंप्यूटराइज करना पड़ेगा जी। तो उन्होंने उस डिसीजन को सपोर्ट करा। आज हमारे कंपनी के सारे फाइनेंसेस, कस्टमर सर्विस, सेल्स सब एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर चलते हैं, और हम ऑफिस में बैठे बैठे उन सब चीज़ों को सेंट्रली मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके सेंट्रलाइज सारा का सारा कर दिया, ये साबित करता है कि वो नया कुछ करने को तैयार थे। गुप्ता साहब, इवॉल्व और क्या क्या, ये बहुत चीज जरूरी थी। हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। ये हमने जो ईआरपी पैकेज इंप्लीमेंट किया, हम उस वक्त हम लोगों का टर्नओवर सिर्फ 80 करोड़ रुपए का था। तो जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट उसको कर दिया, वो कंपनी भी हमको उस वक्त कहती थी यू आर अहेड ऑफ टाइम, बट ये इनका विजन था, इन्होंने बताया, और मैंने भी सोचा कि अगर हमको एक कंपनी को लेके जाना है, आगे लाना है और फास्ट स्पीड से जाना है, तो हमको ये ऑटोमेशन करना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये जो इनोवेशंस है खाली इस चीज़ में नहीं करी, हम हर स्टेप पे इनोवेशन करते चले आ रहे हैं। सबसे पहला इनोवेशन मैं कहूँगा प्रोडक्ट में। फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है आरओ प्योरीफायर लगाना है तो काउंटर के नीचे लगा दिया जहाँ सबसे गंदगी है जी, और ऊपर से पानी का नलका दिया जी, वो नहीं चला यहाँ पे। तो हमको इजाद करना पड़ा कि यहाँ का पानी का प्योरीफायर किचन की वॉल पे लगेगा। तो हमने दुनिया का पहला आरओ प्योरीफायर बनाया जो किचन की वॉल पे लग सकता है। फिर हमने देखा गरीब लोगों के घर हैं, 20,000 का 15,000 का प्योरीफायर हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीब तबके को भी ऐसा प्योरीफायर चाहिए ताकि उसको बीमारी ना हो जी। तो हम लोगों ने ऐसा प्योरीफायर बनाया जो बिना बिजली के चलता है। हमने ऐसा प्योरीफायर बनाया जिसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपये है, बट फिर हमने अपने आप को देखा कि हवा खराब होती जा रही है, हमने देखा सब्जियां खराब होती जा रही हैं, सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड लगता जा रहा है, तो सब्जियों को साफ करने के लिए हमने प्रोडक्ट्स बनाए, हमने हवा को साफ करने के लिए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। गुप्ता साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वरुण, बहुत अच्छा लगा आज के कथानायक कैंट आरओ के गुप्ता साहब से बातचीत हुई, उनके सुपुत्र से बातचीत हुई। थोड़ी देर बाद हाजिर होऊंगा। वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। Thank you. तो सक्सेशन प्लानिंग मतलब बिजनेस चलेगा नॉट ओनली एज अ मैनेजमेंट, मतलब इनके बाद तो चलेगा, एज अ कंपनी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर, वो सोच के इन्होंने किया, वो सक्सेशन प्लानिंग मुझे बहुत अपील किया। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे कि कैसे सक्सेशन प्लानिंग और बिजनेस कंटिन्यूटी सफलता के लिए ज़रूरी है। मैं आमंत्रित करता हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के सीएमओ एंड सीआरओ श्री संजय आठले को। स्वागत है आपका संजय जी, आइए संजय। ये सक्सेशन प्लानिंग का क्या मतलब होता है? सक्सेशन प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। मतलब के अलावा महत्व जी, मैं एक्चुअली उसी के ऊपर आ रहा हूं। प्लीज, केंट आरओ की स्टोरी में मुझे तीन बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स समझ आई जी। एक तो प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस सीक्रेट्स, सो ही इन्वेस्टेड इन पेटेंट ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी वाइज इन्वेस्टमेंट एनी एसएमई शुड डू, और जनरली एसएमईज करती नहीं है। सेकंड, इन्वेस्टिंग इन योर ब्रांड। तो आज कई SMEs ब्रांडिंग पे खर्च करना या ब्रांड अवेयरनेस पे खर्च करना एक एक्सपेंस या कॉस्ट समझते हैं, जबकि वो इन्वेस्टमेंट होता है जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और तीसरा अच्छा काम ये किया कि सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर किया। नाउ सक्सेशन प्लानिंग मींस बिजनेस का आगे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा कैसे। एक एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल उद्योग इन्होंने तैयार किया, आज इतना अच्छा ब्रांड तैयार किया, तो ये तो चला रहे हैं उसको बहुत अच्छे से,
बट इनके बाद ये बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, कितना अच्छा चलेगा, वो इम्पोर्टेंट होता है सक्सेशन प्लानिंग. उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इनके केस में तो इनका बेटा साथ में था जी, पर जहाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये बेटा है पर दूसरे किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है जी, या वो नौकरी करना चाहता है या इंडिया में रहना नहीं चाहता है, उसके बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिजनेस में लेके आए जी, उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काफ़ी अच्छे से करें सो दैट आपका बिजनेस आपके आगे चलता रहे. ये सक्सेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है. ऐसी सूरत में कि जब जो पार्टी है जिनको आप सक्सेशन के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो अनइंटरेस्टेड हो, राइट सर? यस. ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि पहली जनरेशन का बहुत अच्छा, मान लीजिए मिठाई की बिजनेस है, और बेटा अमेरिका से एमबीए करके आया, उसको मिठाई की गल्ले पे नहीं बैठना है, उसको कुछ और करना है, फिर आपका बिजनेस का क्या होगा? जी जी. और आपने देखा होगा जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इवॉल्व करते चले गए जी, इस बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत अच्छा था कि एक तो इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया, और मुझे ये अच्छा लगा कि सडन ग्रोथ नहीं चाहते, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, पेटेंट लिया, फिर नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, और नॉट ओनली 20,000 का प्रोडक्ट, 1500 रुपए का प्रोडक्ट लेके आए. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के. तो इनकी बिजनेस एक्यूमेन जो है या बिजनेस विजन जो है वो ये इंश्योर कर रही है कि इनका जो बड़ा प्रोडक्ट है वो जो चलेगा. फिर एयर प्योरीफायर की आपने बात की जी, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं. तो सक्सेशन प्लानिंग मतलब बिजनेस चलेगा नॉट ओनली एज अ मैनेजमेंट, मतलब इनके बाद तो चलेगा चलेगा, एज अ कंपनी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर, वो सोच के इन्होंने किया, वो सक्सेशन प्लानिंग मुझे बहुत अपील किया. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो. आप हमारी कथा के नायक हैं. आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही विजन के साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते रहें. आपके घर में समृद्धि हो, पूरा देश भी समृद्ध हो, यही प्रार्थना है. थैंक यू वेरी मच संजय जी. थैंक यू. ये कार्यक्रम सफलता की नई कथाएं लेकर आपके सामने आता है. समय है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए कथानायक की सफलता की दास्तान के साथ, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के. चलता हूं. जय हिंद, वंदे मातरम.